जींद में आज देखने को मिला छात्रों का तांडव। जींद के नए बस स्टैंड पर रोडवेज बस पर पथराव कर बस के शीशे छात्रों द्वारा तोड़े गए और ड्राइवर चालक के साथ भी मारपीट की गई। बस स्टैंड पर जमकर छात्रों द्वारा आज बवाल काटा गया। बस स्टैंड को भी आज ताला जड़ा। दिल्ली नेशनल हाईवे को किया गया छात्रों द्वारा जाम। काफ़ी परेशानी। पुलिस ने 150 छात्र और छात्राओं के खिलाफ किए मामले दर्ज। जींद के नए बस स्टैंड पर भारी पुलिस बल आज छात्रों की झड़प के चलते तैनात किया गया। आईटीआई के बस के ठहराव की छात्रों द्वारा मांग की जा रही थी। छात्रों की मांग थी कि नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड तक जाने के लिए अन्य अनावश्यक तौर पर रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। रोडवेज ने पुराने बस स्टैंड तक बस की सुविधा नहीं दी है, जिससे समस्या और भी गहरी होती जा रही है। रोडवेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी छात्रों द्वारा की गई। छात्रों का कहना था कि नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड तक जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है, ऐसे में उन्हें ऑटो में शहर और स्कूल कॉलेज तक जाना पड़ता है। ऑटो में शहर के सफर के कारण उन पर 15 से 20 रुपये हर रोज अतिरिक्त भार पड़ रहा है। आज जो सुबह आईटीआई के जो बच्चे थे वो सिटी बस की मांग कर रहे थे और उन्होंने उस संबंध में जो बस अड्डे का नए बस अड्डे का जो आउटर गेट है उस गेट के बीच में बैठकर बसों का आवागमन बंद कर दिया। उसके बाद सूचना मिलने पर मैं भी आया था और भी हमारी जो जिला की फोर्स थी वो आई थी, उनको समझा बुझा कर वहाँ से उठा दिया था और उनकी बातें भी हमने काफ़ी हद तक स्वीकार कर ली थी कि आपका जो है समाधान किया जाएगा अधिकारियों से मिलकर। उसके पश्चात तो वो बच्चे झुंड में निकल कर और बाईपास पर जीट रोड पर आ गए और वहाँ पर उन्होंने एक हरियाणा रोडवेज जींद की बस को घेर लिया और उसके बस ड्राइवर के साथ बदतमीजी की, उसके साथ मारपीट की और बस को पत्थर मारकर उसके शीशे वगैरह डैमेज कर दिया। सर, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है छात्रों ने, तो कितने खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? मामला करीब 100 से 150 बच्चे थे जिनके अंदर कुछ लड़कियां भी थी, जो उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है उस संबंध में हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है और कुछ बच्चों को हमने राउंड अप किया है, उनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं पूछताछ करके और बाकी जितने भी बच्चे हैं उनका वीडियो से पहचान की जाएगी, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो कोई भी हो जो उस दंगा करने में शामिल है उसको हम गिरफ्तार करेंगे और भविष्य में भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई अगर स्थिति उत्पन्न होगी तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। सर, कितने टोटल स्टूडेंटों पर मामला दर्ज किया? करीब 100-150 के करीब बच्चे थे, उनके हमारे पास वीडियो आए हैं, वीडियो से उनकी पहचान की जाएगी। कुछ जो बच्चे हैं भाई ने तो सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और आगे भी अगर वो ऐसा प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भाईचारा
और कोई खुशामंद उनके आगे नहीं की जाएगी। वही छात्रों का कहना कि पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया, उनको हल्का बल प्रयोग करके जो जीटी रोड है, जो नेशनल हाईवे है, उनसे उसको खदेड़ा गया था और वहाँ से भगाया गया। अगर उनको ना भगाते तो वो आने जाने वाले वाहनों का नुकसान भी कर सकते थे, किसी को चोट भी लग सकती। छात्र किस तरह की मांग कर रहे थे आईटीआई के जो छात्र थे सर? छात्रों की जो मेन समस्या थी ये थी, जब नया बस अड्डा जो चालू हो चुका है उससे बसें जो हैं जींद शहर के अंदर जाने की बजाय बाईपास से बाहर में जा रही हैं, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, महिला कॉलेज हैं, आईटीआई है, वो शहर के अंदर है। उनकी यही मांग थी जो बसें अंदर से जाएँ या सिटी सर्विस बसें लगाई जाएँ और जो बसें अंदर जा रही हैं उनमें हमारी टिकट ना काटी जाए, ये इनकी मुख्य मांगें थी। तो हमने जीएम साहब से और आरटीआई साहब से बात करके प्राइवेट बसों के बारे में भी हमने समाधान का उनको आश्वासन दिया था।